एक अहम अपडेट आपसे शेयर करें। ताज़ी रातें पाकिस्तान ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। बिल के तहत मुसल्ला अफवाज या इसके किसी रुकन का तमस्कुर उड़ाना जुर्म होगा। बिल के तहत मुसल्ला अफवाज या इसके किसी रुकन का जान बूझ कर तमस्कुर उड़ाना, वकार को गजन पहुँचाना या बदनाम करना जुर्म करार पाएगा। ऐसा करने वाले को 2 साल तक कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। इस तरमीम का मकसद मुसल्ला अफवाज के खिलाफ नफरत अंगेज और गुस्ताख रवैये का सद्देबाब करना है। इजलास के दौरान इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 में मजीद तरमीम का बिल अपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तरमीम के तहत तफ्तीशी तरीके में नई टेक्निक इस्तेमाल करने की शिक शामिल की गयी। तफ्तीशी ऑफिसर अदालत की इजाज़त से 60 ठोस में बास टेक्निक्स इस्तेमाल करके दहशतगर्दी में रकूम की फराहमी का सुराग लगाएगा। इन टेक्निक्स में खुफिया ऑपरेशंस, मुआसलात का सुराग लगाना और कंप्यूटर सिस्टम का जायजा लेना शामिल है। अदालत को तहरीरी दरख्वास्त देकर मजीद 60 ठोस की तौसी हासिल की जा सकेगी। बिल के अखरास मकासद ये है की दहशतगर्दी के लिए रकूम की फराहमी न सिर्फ मुल्क की तरक्की के लिए रुसवाई का बाइस बन रही है बल्कि माली हवाले से ऐसे अनासिर को फायदा पहुंचा रही है जो बिल आखिर मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी अमन और किसी हद तक इत्तेहादियों के लिए एक बड़ा खतरा है।